हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ अपने पसंदीदा कार्यक्रम पॉलिटी एक्सप्रेस में, जिसका उद्देश्य 2024 के लिए भारतीय राज व्यवस्था को इस तरीके से दोहराव कर दिया जाए, रिविजन कर दिया जाए कि आप प्रारंभिक परीक्षा में अधिकांश प्रश्नों को हल कर सकें। तो आइए जुड़ना शुरू कर दें, फटाफट आ जाएं लाइव, क्योंकि आपकी क्लास शुरू हो गई है। और आज का जो टॉपिक है वो हमें न्यायपालिका पढ़नी है, अर्थात आज हम न्यायपालिका से शुरू करेंगे। न्यायपालिका से शुरुआत की भी बात करें तो आप जानते हैं, चूंकि हम संघात्मक व्यवस्था वाले देश हैं, इसलिए हम न्यायपालिका में भी सेंट्रल की न्यायपालिका, स्टेट की न्यायपालिका के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो न्यायपालिका हमारे यहाँ है, उसकी जो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है, वो संरचना वैसी नहीं है जैसी कार्यपालिका और विधायिका की संघात्मक थी। यहाँ पर हम लोगों ने न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका हम लोगों ने एकीकृत न्यायपालिका अपनाई है, एकीकृत न्यायपालिका अपनाई है, जिसके केंद्रीय न्यायपालिका की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से शुरू होता है और फिर राज्य में हाई कोर्ट के लिए कहते हैं हम, और फिर लोअर स्तर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाता है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि राज्य का अलग हाई अलग न्यायपालिका है और केंद्र की अलग न्यायपालिका है। राज्य के मामले में राज्य की न्यायपालिका सर्वोत्तम होगी और सेंट्रल के मामले में केंद्रीय न्यायपालिका, बल्कि लोअर कोर्ट से पहुंच सुप्रीम कोर्ट तक है और सुप्रीम कोर्ट का प्रभाव बिल्कुल लोअर कोर्ट तक है, अर्थात हाई कोर्ट के प्रत्येक मामले पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। तो यहाँ पर संघीय व्यवस्था न देखते हुए एकीकृत व्यवस्था दिखाई पड़ती है हमें न्यायपालिका की व्यवस्था में। तो आइए शुरू करते हैं सेंट्रल की न्यायपालिका, जिसके अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत करते हैं। और केंद्र सरकार चूंकि भाग 5 के अंतर्गत है, इसलिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी जब पढ़ना शुरू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी आप देखना शुरू करेंगे, तो आपको भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है, वो देखने को मिलती है भाग 5 के अंतर्गत। अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। अगर हम इसके पृष्ठभूमि की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के पृष्ठभूमि की बात करें, तो 1935 में जो संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, उसी संघीय न्यायालय के उत्तराधिकारी के रूप में हम वर्तमान के सुप्रीम कोर्ट को देख सकते हैं। उच्चतम न्यायालय का स्थान अगर हम देखते हैं तो नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय का स्थान है, अर्थात हमारा सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थापित है। क्षेत्रीय न्यायपीठ की बात करें तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, वो स्थापित कर सकता है, और इसके लिए अनुच्छेद 130 में प्रावधान है। हालांकि अभी ऐसी कोई क्षेत्रीय न्यायपीठ बनाने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई है, तो ऐसी कोई क्षेत्रीय न्यायपीठ परमानेंट स्थायी रूप से सुप्रीम कोर्ट की नहीं देखने को मिलती है, जैसा कि हाई कोर्टों की दिखती। सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया की बात करें तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं से निर्णय लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की अपने जो नियम विनियम प्रक्रिया है वो कैसे चलेंगे। ये जो अधिकार है ये खुद सुप्रीम कोर्ट के पास है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के अनुमोदन से ये तय करे कि उसे किस रूप में आगे बढ़ना है, किस ढंग से आगे बढ़ना है, ये जिम्मेदारी खुद इनके पास अपनी है। ठीक है, हाँ। आगे बढ़ते हैं, संरचना की बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की संरचना क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट की संरचना के बारे में बात करेंगे तो मूल रूप से देखेंगे जो संविधान के अंतर्गत मूल प्रावधान था वो था कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो बनेगी। मतलब एक चीफ जस्टिस होगा और 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट बनता था। मतलब प्रारंभ में कुल 8 न्यायाधीश इंक्लूडेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की व्यवस्था थी। ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे करके बढ़ाती गई, संख्या जो है धीरे धीरे करके बढ़ाया गया है। आज वर्तमान की बात करें तो कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, ये वर्तमान की स्थिति है सुप्रीम कोर्ट की संरचना की। अगर हम मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
और ये नियुक्ति कैसे करेगा, तो इसके पीछे जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें लिखा गया है कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों से और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से जिनसे उचित समझे परामर्श के पश्चात मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। हालांकि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तियों में वर्तमान में संवैधानिक प्रावधान कम, परंपरा का पालन ज्यादा किया जाता है। और वो परंपरा क्या है, वो परंपरा ये है कि सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को, मोस्ट सीनियर जज को ही हमारे राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कर दिया जाता है। हालांकि इस परंपराओं को दो बार ब्रेक भी किया गया, इंदिरा गांधी सरकार में इसे ब्रेक किया गया, लेकिन उसके बाद जब जनता दल की सरकार आई तब से लेकर अभी तक यही परंपरा मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनाया जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मोस्ट सीनियर जज, जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, उसे ही मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। परंपरा की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश शक्ति से वरिष्ठता के आधार पर करते हैं, अर्थात जो तात्कालिक मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो किस न्यायाधीश को, जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, किसे अगला चीफ जस्टिस बनाया जाएगा उसके लिए सिफारिश करते हैं। वरिष्ठता को उम्र से परिभाषित नहीं किया जाता। कई बार आपको लगता है कि जो ज्यादा सीनियर का मतलब होगा, जो ज्यादा उम्र का होगा, उसे वरिष्ठ माना जाएगा, नहीं। बल्कि न्यायाधीशों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो सेवा दी गई है, कितने वर्षों की सेवा दी गई है, उससे तय होता है कि कौन वरिष्ठ न्यायाधीश है। इस प्रकार मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है, ये परंपरा है। अपवाद, दो बार इस परंपरा का पालन नहीं किया गया। एक बार 1973 में जस्टिस ए एन रे को बनाया गया और एक बार 1977 में जस्टिस एम एच बेक। ये दो ऐसे न्यायाधीश हैं जो कनिष्ठ न्यायाधीश थे, वरिष्ठतम नहीं थे, और इन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया। ये दो अपवाद आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं और दोनों ये इंदिरा गांधी सरकार में हुआ था। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, डी वाई चंद्रचूड़, जिनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये 50वें चीफ जस्टिस हैं वर्तमान की अगर आप बात करेंगे तो। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है इसको भी देख लेते हैं। अदर जो जजेस हैं वो कैसे चुने जाते हैं, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जो प्रावधान है उन प्रावधानों पे फिर कई बार न्यायाधीशों से संबंधित वाद आए और उसमें यहाँ पर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। वर्तमान की वैसे बात करें तो एक सामान्य सा संवैधानिक प्रावधान है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जैसा कि वो आवश्यक समझे, ऐसा लिखा। सामान्यतः ये कहा गया है कि जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर होगी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर होगी। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो परामर्श है उसकी बात करें तो पहला जो केस आया था उसमें कहा गया था परामर्शकारी है, दूसरे केस में कहा गया था बाध्यकारी है, तीसरे केस में कहा गया था कि केवल मुख्य न्यायाधीश की परामर्श नहीं बल्कि कोलेजियम जो कि चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा चीफ जस्टिस के साथ, मतलब पांच न्यायाधीशों के, उस कोलेजियम के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का परामर्श दिया जाएगा। तो अभी जो परामर्श लिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, वो परामर्श वास्तविक रूप में केवल मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि कोलेजियम का परामर्श होता है, जिनके परामर्श पर हमारा राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रथम मामला, द्वितीय मामला जो अभी मैंने बात करी वो आप देखिए, तीसरा मामला, और फिर चौथे मामले में राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, एनजेएससी का, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, और 99वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बनाया गया था। कोलेजियम व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू किया और जुडिशियल रिव्यू में 99वें संविधान संशोधन को अवैध घोषित कर दिया, और अवैध घोषित होने के बाद राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग फिर से खत्म हो गया और कोलेजियम प्रणाली फिर से शुरू हो गई।
अगर आप वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जो परामर्श होता है वो किसका होता है, वो परामर्श होता है कॉलेजियम का। किसका परामर्श होता है, कॉलेजियम का परामर्श होता है, न कि केवल मुख्य न्यायाधीश का और ना ही एनजेएसी का। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठम न्यायाधीशों से मिलकर यह प्रणाली बनती है। इस प्रणाली का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, न्यायिक निर्णयों से यह प्रणाली व्यवहार में आई है। 5 सदस्यीय अतिरिक्त संवैधानिक निकाय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए यह सिफारिश करता है। यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, न कि संसद के किसी अधिनियम और न ही किसी संवैधानिक प्रावधान से। इसकी संरचना की बात करें तो कॉलेजियम का नेतृत्व तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करते हैं, जिसमें 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। एक उच्च न्यायालय का भी कॉलेजियम होता है। उच्च न्यायालय का जो कॉलेजियम होता है इसके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश से बनता है। कॉलेजियम के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की सिफारिश के लिए कॉलेजियम 4 अन्य वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं उनसे मिलकर परामर्श करता है। परामर्श की जो प्रक्रिया होती है वो बहुमत पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है, बहुमत पे। मतलब 5 न्यायाधीशों में से 3 न्यायाधीश जिसकी नियुक्ति के पक्ष में होंगे उसे ही राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक प्यूनी जज उप या अवर न्यायाधीश का एक कॉन्सेप्ट है, कभी हो सकता है पूछा जाए। कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए नामों की सिफारिश करते समय मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ न्यायाधीशों की वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाता है। प्यूनी जज क्या होते हैं? प्यूनी शब्द फ्रेंच मूल का है, जिसका अर्थ होता है बाद में जन्मा या आयु में छोटा। यह प्रमुख रूप से न्यायाधीशों के संदर्भ में ही उपयोग किया जाता है और अनिवार्य रूप से रैंक की वरिष्ठता को दर्शाता है। सामान्य कानून देशों में प्यूनी न्यायाधीश शब्द का उन न्यायाधीशों को संदर्भित करता है जो वरिष्ठता में कम रैंक पे हैं, अर्थात उस अदालत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा कोई भी न्यायाधीश प्यूनी जज कहलाता है, अर्थात चीफ जस्टिस से कम रैंक वाले जितने भी लोग होंगे उन्हें प्यूनी जज के रूप में जाना जाता है। भारत के संदर्भ में देखें तो एक अवर न्यायाधीश का संदर्भ केवल नियुक्तियों, उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए वरिष्ठता क्रम पे विचार करते समय किया जाता है। मतलब अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, उनके न्यायाधीशों की बात करें, तो जब नियुक्ति की बात होती है तभी इस तरीके के वरिष्ठता को आधार बनाया जाता है, अन्यथा न्यायिक प्रयोग में सबके पास समान शक्तियां होती हैं। अगर हाई कोर्ट के किसी एक न्यायाधीश, वो चाहे सेवा में उसकी सेवा कम हो उच्च न्यायालय में या ज्यादा हो, अगर उसने कोई निर्णय दिया है तो उस निर्णय को कोई ज्यादा सेवा देने वाला वरिष्ठ न्यायाधीश बदल नहीं सकता। अगर एक न्यायाधीश के निर्णय को बदलना है तो डबल बेंच होनी होगी, अर्थात 2 न्यायाधीश मिलकर ही पहले वाले एक न्यायाधीश के द्वारा दिए गए निर्णय को बदल सकते हैं। तो मतलब प्यूनी न्यायाधीश की बात जो है ये वरिष्ठता क्रम में तो देखा जाता है, लेकिन न्यायिक शक्तियों को लेकर इस पर कोई असर नहीं पड़ता। सभी के पास समान न्यायिक शक्तियां होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी न्यायाधीशों के पास समान शक्तियां होती हैं और एक अदालत के वरिष्ठतम न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश की एक अतिरिक्त प्रशासनिक भूमिका होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश के बाद अन्य लोगों के न्याय देने से ज्यादा शक्ति है, नहीं, अलग से भूमिका है, वो प्रशासनिक भूमिका है मुख्य न्यायाधीश के पास, बाकी सारे बराबर हैं। सामान्य कानून क्या होता है, सामान्य विधि क्या है? तो सामान्य कानून कानून का वह निकाय है जो न्यायाधीशों द्वारा उनकी लिखित राय के माध्यम से बनाया जाता है, न कि विधियों या संविधानों के माध्यम से। इसे कॉमन लॉ कहते हैं, सामान्य कानून। और ये जो कॉमन लॉ है ये इंग्लैंड में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यूनाइटेड किंगडम और भारत सहित राष्ट्रमंडल देशों में सामान्य कानून वाले देश है, यहां कॉमन लॉ चलता है।
कॉमन लॉ चलता है। न्यायाधीशों के शपथ की बात कर लेते हैं, वेतन की बात कर लेते हैं, तो अगर हम लोग देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए जो योग्यता है वो बड़ी तीन सामान्य मुख्य बातें हैं। पहला, जो अनिवार्य है वो भारत का नागरिक हो, ये अनिवार्य है। और बाकी जो योग्यताएं हम देख रहे हैं उन योग्यताओं में तीन ऐसी कंडीशन है या करके उनमें से कोई एक पूरा करना हो, या तो वो किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, एक ये कंडीशन है, अगर ये पूरी करता है और भारत का नागरिक है और 65 वर्ष की आयु से कम आयु वाला है तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। मान लो पहली वाली कंडीशन नहीं पूरी कर रहा, तो भारत का नागरिक हो और उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेट रहा हो, या तो 5 वर्ष से न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष से अधिवक्ता रहा हो। मान लो ये दोनों कंडीशन नहीं पूरी होती है तब क्या होगा, तो तीसरी कंडीशन हो कि राष्ट्रपति की राय में, राष्ट्रपति की नजर में प्रसिद्ध विधिवेत्ता हो, मतलब कानून का जानकार हो। तो अगर राष्ट्रपति के नजर में वो कानून का जानकार है तो ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी जा सकती है। ये तीन कंडीशन है, तीनों में से एक अगर वो फुलफिल करता है तो वो बन सकता है भारत का न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश। शपथ की बात कर लें तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं या अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और उन्हें पद ग्रहण शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति ही इन्हें शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही इन्हें नियुक्ति मिलती है। वेतन और भत्तों की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन भत्ते सब संसद के द्वारा निर्धारित होती है। किसके द्वारा निर्धारित होती है? संसद के द्वारा निर्धारित होती है। और इनका वेतन भत्ता जो है वो भारित किस पे होता है? भारत की संचित निधि पे भारित होता है। भारत की संचित निधि पे भारी होता है। रिविजन क्लास है इसलिए ये क्लास इस तरीके से आगे बढ़ रही है कि आपका कोई चीज जो कि पढ़ाई के दौरान छूट गया, मिस हो रहा है, वो समझ में आ जाए। कार्यकाल की बात करें तो संविधान में इनके कार्यकाल का कोई निश्चित समय नहीं दिया गया। संविधान में कोई कार्यकाल सुनिश्चित नहीं किया गया कि ये 5 वर्ष रहेंगे, 6 वर्ष रहेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि एक कंडीशन है कि ये 65 वर्ष की आयु तक, जो कि अधिकतम आयु है, 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर रह सकते। यहां पर न्यूनतम आयु का कॉन्सेप्ट नहीं, न्यूनतम आयु के बारे में न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं होती। अधिकतम आयु 65 वर्ष, 65 वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। अगर ये उसके पहले अपना पद त्याग करना चाहें तो राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र के द्वारा अपना पद छोड़ सकते हैं, या फिर यह संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। और ये संपत्ति संसद की सिफारिश की एक प्रक्रिया है जिसको महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहते हैं, तो इन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया के संचालन की आवश्यकता होती है, तभी इन्हें हटाया जा सकता है। मतलब इनके कार्यकाल की सुरक्षा है, सामान्यतः इनको हटाया नहीं जा सकता। और ये यहाँ से नियुक्ति पाने के बाद, यहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद किसी रोजगार के योग्य नहीं होते हैं, अर्थात अयोग्य हो जाते हैं। और साथ ही साथ इनके कार्यकाल के दौरान किसी भी तरीके का कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो देखा जाए तो न्यायाधीशों के संबंध में पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय संवैधानिक रूप से किए गए हैं। हटाने की प्रक्रिया वही है जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, बस राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 के अंतर्गत हटाया जाता है। और इसकी बात करें न्यायाधीशों की तो ये अनुच्छेद 124 के 4 में हटाए जाएंगे। तो प्रावधान वैसे ही हैं, कुछ अंतर है, जैसे जैसे राष्ट्रपति के महाभियोग में 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव लाने की आवश्यकता होती है, यहाँ पर अगर लोकसभा में है तो 100 सदस्य, राज्यसभा में है तो 50 सदस्य ऐसा जो है वो लेकर आते हैं। अगर हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दी गई है। प्रक्रिया कहाँ बताई गई है? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। और ये प्रक्रिया वैसी ही लगती है जैसे मानो महाभियोग हो, इसीलिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की बात हम लोग करते हैं, ठीक है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया की बात हम लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कार्यकारी और तदर्थ तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की बात करें, अगर आप कार्यकारी न्यायाधीश की बात करेंगे, तदर्थ न्यायाधीश की बात करेंगे और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की बात करेंगे, तो इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को याद रखना होगा। जैसे अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 128, ये तीन अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं। 126 में आपको कार्यकारी न्यायाधीश मिलेगा, 127 में आपको तदर्थ न्यायाधीश, 128 में आपको सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का सुप्रीम कोर्ट में बैठने की अपेक्षा वाला प्रावधान मिलेगा। और अगर 129 पे जाएंगे तो आपको अभिलेखी न्यायालय, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड की बात करनी होगी, अभिलेखी न्यायालय से संबंधित जो प्रावधान है वो देखने को मिलेंगे 129। आइए सबको एक साथ समझते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दे सकता है। मतलब अगर मुख्य न्यायाधीश किन्हीं कारणों से मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हुआ और तुरंत ये डिसाइड नहीं हो पाया कि किसे मुख्य न्यायाधीश बनाना है, तो किसी भी न्यायाधीश को जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है उसे अनुच्छेद 126 के अंतर्गत राष्ट्रपति कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में काम करने को कह सकता है। और ऐसा वो काम कब तक करेगा? जब तक भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो तब तक वो ऐसा काम करेगा, या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है या अपने पद दायित्व निर्वहन करने में असमर्थ है, तो ऐसी दशा में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। दूसरा है तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जज। इनकी स्थिति कब होती है? तो जब कभी कोरम पूरा ना हो रहा हो, ध्यान रखिएगा, जब कभी सर्वोच्च न्यायालय का कोरम अर्थात गणपूर्ति पूरा नहीं हो रहा है, तो ऐसी दशा में गणपूर्ति को, कोरम पूरा करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति की अनुमति लेकर हाई कोर्ट के किसी भी मुख्य न्यायाधीश से, वहां से किसी ऐसे न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में बैठने के लिए भेजने को कह सकता है जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अर्थात हाई कोर्ट से ऐसे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में बैठने की योग्यता रखते हो, ऐसे न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में बैठने के लिए कहा जा सकता है। और ये तदर्थ कुछ समय के लिए होता है, एडहॉक होता है। ऐसी दशा में वो न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में काम करके फिर से हाई कोर्ट में काम करने लगेगा, वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं कहलाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना। जब ऐसा न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय का है तदर्थ न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में काम करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट में काम करने के दौरान उसके क्षेत्राधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार, वेतन, भत्ते, वो सब वैसे ही होंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के होते हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को होते हैं, वही सुविधाएं वो प्राप्त करेगा जो तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश। और तदर्थ न्यायाधीशों को अधिकतम 3 वर्ष से अधिक तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की बात करें, जब कभी सर्वोच्च न्यायालय में अप्रत्याशित रूप से कामकाज बढ़ जाए, तो उस बढ़े हुए कामकाज को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति लेकर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को, वो चाहे सर्वोच्च न्यायालय के हों, वो चाहे उच्च न्यायालय के हों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति होती है, अर्थात नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति से सहमति बहुत जरूरी होती है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ऐसा नहीं कर सकता। और जब ऐसे रिटायर्ड जज, जब ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे, तो ऐसे न्यायाधीशों का वेतन भत्ता राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि ऐसे लोगों को क्या वेतन भत्ता मिलेगा। तदर्थ न्यायाधीशों का वेतन भत्ता वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का है। सामान्यतः देखें तो ये भी वही प्राप्त करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्राप्त करते हैं, लेकिन यहां लिखा गया है कि वेतन भत्ता राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, तो इस प्रावधान के साथ हम आगे जाते हैं। व्यवहार में वही होता है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश पाता है। कुछ मापदंड और उद्देश्य देख लें, तो दोनों के उद्देश्य अलग हैं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि आप एक साथ पढ़ लेते हैं कि जब काम बढ़ जाए तब एडहॉक जज आते हैं या ऐसा नहीं। जब कोरम पूरा नहीं हो रहा होगा तब तदर्थ न्यायाधीश लाए जाएंगे, और जब बढ़े हुए कार्यभार को पूरा करना हो
तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश आएंगे। नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा होती है, इनकी भी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा होगी, लेकिन पूर्व सहमति चाहिए होगी किससे? राष्ट्रपति से। दोनों के संबंध में राष्ट्रपति से पूर्व सहमति चाहिए होती। परामर्श की बात करें तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की आवश्यकता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, मतलब ये करेगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कहेगा कि भाई अपने यहां से कोई एक व्यक्ति हमारे यहां भेजो या दो व्यक्ति भेजो, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए। यहां पर भी बात करें तो यहां पर मुख्य न्यायाधीश ऐसा करेगा, पूछेगा उससे जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाना है और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति। यहां उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से पूछेगा, क्योंकि हाई कोर्ट से आप जज ले आ रहे हैं, तो हाई कोर्ट का जो जज है जिसे आप सुप्रीम कोर्ट में बैठने को कह रहे हैं, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति चाहिए होगी। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछ के किसी ऐसे व्यक्ति को वहां से भेजने को कहता है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति। तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि क्षेत्राधिकार शक्ति विशेषाधिकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। यहां पर हाई कोर्ट का वो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के बराबर ही सब कुछ प्राप्त करेगा। यहां पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि इन्हें भत्ते क्या मिलेंगे, शक्तियां वगैरह तो सेम है, लेकिन राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि इनका वेतन क्या होगा, इनका वेतन क्या होगा, ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, यहां तक बात आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी, ऐसी मैं अपेक्षा कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। दोहराव का बैच है, रिविजन बैच है, तो फटाफट कोई ऐसी चीज जो आपने पढ़ी है और आपसे मिस हो रहा है वो दोबारा से आपके नजरों के सामने आ जाए, इसके लिए आप जुड़े हुए हैं। क्षेत्राधिकार की बात करें तो आप मूल क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे, अपीलीय क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे, ऋण संबंधी क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे। मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये क्षेत्राधिकार है। आइए मूल क्षेत्राधिकार से शुरू करते हैं। अगर हम मूल क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि वे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही वादित होते हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में ही पहले पहल आते हैं, उन्हें हम मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। अगर हम मूल क्षेत्राधिकार की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रथम दृष्टया जो मामले आते हैं सुनवाई के लिए, उस पे सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार होता है। ये क्षेत्राधिकार अगर ठीक ठीक देखें तो संघीय विवादों तक फैला होता है, मतलब ऐसे विवाद जो केंद्र और राज्य के मध्य हैं या राज्यों के मध्य हैं, ऐसे विवादों को सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के विवाद के अंतर्गत देखा जाता है, क्योंकि ये मामले केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही पहले पहल शुरू होते हैं, इसलिए ऐसे क्षेत्राधिकारों को हम मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब है उन मामलों पे कोई दूसरा जो न्यायालय है वो मुकदमा ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई फैसला नहीं देगा, अर्थात अन्य न्यायालयों को सुनने की शक्ति न हो, सुनवाई करने की शक्ति न हो, उसको मूल क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का कहते हैं। और जिन विवादों में विशिष्ट मूल क्षेत्राधिकार होता है उनमें एक प्रश्न शामिल होना चाहिए, जिस प्रकार कानूनी अधिकारों का अस्तित्व निर्भर करता है, केंद्र या राज्य के खिलाफ एक निजी नागरिक द्वारा किया गया मुकदमा इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। कहीं आपको लगता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ऐसे मुकदमे सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत नहीं आएगा, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। मूल क्षेत्राधिकार के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौता प्रसंविदा वचनबद्ध को लेकर उत्पन्न हुआ है, या संधि के कारण उत्पन्न विवाद जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार लागू होता है, ऐसे मामले पे अन्य स्थानों पर भी सुनवाई हो सकती। और जहां अंतरराज्यीय जल विवाद की बात है वहां पर संसद को निर्णय करने का अधिकार है, तो वहां पर भी, हालांकि ये संघीय मामला है, बावजूद इसके अनुच्छेद 262 इसके लिए जिम्मेदार है, और वहां पर बताया गया है कि इस मामले में संसद निर्णय करेगी, अर्थात अंतरराज्यीय जल विवाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अंतर्गत नहीं आएगा, तो ये मूल क्षेत्राधिकार नहीं है। वित्त आयोग से जुड़ा कोई मामला हो, खर्चा पेंशन आदि केंद्र बनाम जैसे वित्तीय विवाद हो, केंद्र राज्यों के बीच अगर वाणिज्यिक विवाद है
या केंद्र के खिलाफ राज्य द्वारा नुकसान की वसूली है, तो ये सब मामले सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं। तो देखने में ये मामले प्रकृति के हिसाब से संघीय लगते हैं, लेकिन इन मामलों पे सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। रिट क्षेत्राधिकार की बात कर लें, रिट को न्यायाधीश कहते हैं, तो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार की बात कर लें, तो रिट क्षेत्राधिकार की अगर हम लोग बात करेंगे तो मौलिक अधिकारों के हनन के संबंध में अगर कोई भी मामला होता है तो व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी चला जाए। हम चाहते तो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भी रिट पढ़ सकते थे, लेकिन रिट क्षेत्राधिकार पे उच्च न्यायालय को भी अधिकार है। वो रिटें जो सुप्रीम कोर्ट जारी करती है उन्हीं रिटों को मौलिक अधिकारों के हनन के संबंध में हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, इसलिए हम लोग मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिट क्षेत्राधिकार को नहीं पढ़ते हैं, रिट क्षेत्राधिकार को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो मूल अधिकारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों मामले होते हैं, इसलिए कहीं पर भी जा सकता है। अपीली क्षेत्राधिकार देखते हैं, तो अपीली क्षेत्राधिकार की बात करें तो कुल चार प्रकार से अपीलों की बात हमें देखने को मिलती है, और अपील भी जो होंगे वो अपील कुल उनकी प्रकृति तीन प्रकार की हो सकती है। संवैधानिक मामलों में अपील, सिविल मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील। अगर प्रकृति देखें तो तीन प्रकृति है। जब कभी किसी कानून की व्याख्या या संविधान की व्याख्या की जरूरत होगी, इसके लिए जब कभी अपील की जाएगी उसको संवैधानिक अपील कहेंगे, और ऐसी अपील के लिए हाईकोर्ट प्रमाण पत्र देता है कि अमुक मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्निहित है, इसलिए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्याख्यायित किया जाना चाहिए, इसको प्रमाण पत्र से भी अपील कहते हैं। संवैधानिक मामलों में अपील कहते हैं इसे, और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है। तो ऐसे मामलों पर जब कोई बात होती है जिसमें किसी विधि का सारवान प्रश्न संविधान के व्याख्या की आवश्यकता हो, तो ऐसे मामले को हम संवैधानिक अपील के रूप में जानते हैं, संवैधानिक अपील के रूप में जानते हैं। उच्च न्यायालय को प्रमाणित करना चाहिए कि कानून का पर्याप्त प्रश्न शामिल है, तो सुप्रीम कोर्ट या संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है, तब सुप्रीम कोर्ट ऐसे अपीलों को लेती है। यह अपीली क्षेत्राधिकार है। सिविल मामलों में यहाँ अपील हो सकती है, उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय के विरुद्ध आप सिविल मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उच्च न्यायालय को यह प्रमाणित करना चाहिए कि मामले में कानून का पर्याप्त प्रश्न है या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाना चाहिए। ऐसा प्रमाण पत्र ऐसे सिविल मामलों में अगर हाई कोर्ट देता है तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तीसवां, संविधान संशोधन करके जो पहले मौद्रिक सीमा थी उसे हटा दिया गया है सिविल मामलों में, तो सिविल मामलों में अपील हो सकती है, इसको आपने देखा। आपराधिक मामलों में अपील, कोई भी ऐसा मामला जिसमें कठोर दंड दिया गया है वो सारे मामले हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आपराधिक मामलों में कठोर दंड के व्यवस्था में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जा सकता है आपराधिक अपील। इन तीन अपीलों के अलावा एक अपील का विशिष्ट ढंग है जिसको हम लोग विशेष अनुमति अपील कहते हैं। आर्टिकल 136 में जाएंगे 136 में, तो विशेष अनुमति द्वारा अपील का प्रावधान देखने को मिलता है। यह सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को किसी भी मामले पर फैला देता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो किसी भी मामले पर विशेष अनुमति याचिका देने के लिए कह सकता है, विशेष अनुमति याचिका देने को कह सकता है। लेकिन ये जो अपील है, इस अपील में जो मामलों की सुनवाई की जाएगी वो सर्वोच्च न्यायालय के विवेकाधिकार पे तय करता है, न कि इस तरीके के अपील के लिए कोई व्यक्ति अधिकारों की बात कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अधिकारों की बात नहीं कर सकता है इस तरीके की अपील के लिए कि उसे इस तरीके की अपील के लिए कि उसकी बात को सुप्रीम कोर्ट सुने ही सुने। तो ये विशेष अनुमति से अपील ये सुप्रीम कोर्ट के विवेकाधिकार पे तय करता है कि वो किस मामले पे इस तरीके की अपील सुनने की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक अनुच्छेद है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर इसकी चर्चा होती है, अनुच्छेद 142। ये जो विशेष अपील का मामला है 136, उसे इस रूप में आगे बढ़ाया जाए कि न्याय हो सके, पूर्ण न्याय हो सके,
इसके लिए उपयोग में सुप्रीम कोर्ट ले आती है और ये पूर्ण न्याय का कॉन्सेप्ट अनुच्छेद 142 में है। सुप्रीम कोर्ट को जहां भी लगता है कि न्याय की कमी है वहां वो पूर्ण न्याय करने के लिए जिस भी तरीके का संरक्षण चाहे, जिस भी तरीके का उपयोग करना चाहे, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और ये अनुच्छेद 142 के अंतर्गत कहा गया है और ये सुप्रीम कोर्ट को कई सारे विशेषाधिकार देता। इसके संबंध में कुछ बातें देखें तो अदालत ने कहा है कि किसी के पास सार्वजनिक सेवा का कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नाम योग्यता सूची में आता है तो उन्हें निष्पक्ष और समान उपचार प्राप्त करने का सशर्त अधिकार है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि सार्वजनिक नियोक्ता, जिसे संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के रूप में पहचाना गया है, मनमौजी व्यवहार नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है न्याय के संबंध में, पूर्ण न्याय के संबंध में। जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी चीज को बताने के लिए उसके पास पूरा अधिकार है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य को आप जानते हैं राज्य क्या है। अनुच्छेद 142 के बारे में देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को शामिल पक्षों के लिए पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक विशिष्ट अधिकार देता है अनुच्छेद 142। यह विशेष रूप से प्रासंगिक है जब मौजूदा कानून स्पष्ट समाधान प्रदान नहीं करते, मतलब जब कानूनों के द्वारा न्याय नहीं हो पाता है, कानून स्पष्टता के रूप में स्पष्टता नहीं दे पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो भी कहता है वही सही माना जाएगा और ये पूर्ण न्याय के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। ऐसे परिदृश्य में जो न्यायालय है उनके पास विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर विवादों को हल करने की लचीलापन है, अर्थात इन अनुच्छेद 142 के द्वारा हमारी जो न्यायपालिका है वो एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो शब्द है उनसे मुक्ति पाती है और यहाँ पर जो उन्हें उचित लगता है अर्थात विधि की जो उचित प्रक्रिया है उसको वो यहाँ से अपना सकते हैं और इसके लिए अनुच्छेद 142। अब मेनका गांधी जैसे केस की जब भी चर्चा होगी तो आप कह सकते हैं कि वहां पूर्ण न्याय करने का प्रयास किया गया, अनुच्छेद 142 को ध्यान में रखा गया, इसलिए एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के स्थान पे उचित प्रक्रिया से न्याय लिया जा सका। अब अनुच्छेद 142 का सहारा लेके अगर हम देखें तो बहुत सारे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। जैसे सीधे तलाक देने वाली प्रक्रिया पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की 5 न्यायाधीश संविधान पीठ ने माना कि अनुच्छेद 142 के तहत जहां विवाह पूरी तरह से टूट गया है, पहले पक्ष को पारिवारिक अदालत में भेजे बिना एक अदालत उन मामलों में सीधे तलाक दे सकती है, अन्यथा आपसी सहमति से तलाक के निर्णय के लिए 6 से 18 महीने की प्रतीक्षा की आवश्यकता होगी। मतलब जहां विवाह पूरी तरीके से टूट गया है, मतलब दोनों पक्षों का कोई लेना देना नहीं है, दोनों पक्ष अलग अलग हैं, अपने अपने में मस्त हैं, ऐसी स्थिति में अगर तलाक के लिए कोई अर्जी डालता है तो जरूरी नहीं है कि दोनों पक्षों को फिर से बुलाया जाए, दोनों में सुलह कराई जाए, इस प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाए, ऑलरेडी कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं ही है तो ऐसी स्थिति में अगर कोई पक्ष तलाक की अर्जी डालता है तो वो तलाक दिया जा सकता है और ये प्रक्रियाओं का उल्लंघन के कारण ऐसा नहीं होगा कि न्याय नहीं है, और आवश्यकता लगती है तो 6 से 18 महीने का इंतजार कर सकते हैं, अगर वो सुलह मसौदे के लिए तैयार होते हैं तो ठीक है, नहीं तो तलाक दिया जा सकता है। इसे सीधे तलाक देने से संबंधित बात कही जाती है और ये पूर्ण न्याय के अंतर्गत सही है। मतलब पूर्ण न्याय कहता है कि हम प्रक्रियाओं को लचीला बना सकते हैं, प्रक्रियाओं के नजरअंदाज करने के बाद भी न्याय रहेगा, इस बात के लिए अनुच्छेद 142 उपयोगी है। तो ये एक अलग ही अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है सुप्रीम कोर्ट के संबंध में जो आपने देखा। ऐसे ही प्रेमचंद्र गर्ग का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो बहुमत राय थी वो ये थी कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की रूपरेखा को इन्होंने खुद रेखांकित किया। इसमें कहा कि पूर्ण न्याय के लिए एक आदेश न केवल संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए बल्कि प्रासंगिक वैधानिक कानूनों के मूल प्रावधानों के साथ असंगत नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोगों ने अनुच्छेद 142 की आलोचना शुरू कर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट मनमाना काम कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेमचंद गर्ग मामले में खुद के लिए अनुच्छेद 142 के उपयोग करने के लिए भी कुछ लिमिटेशंस बनाए। जैसे इनका मानना था कि 142 के अंतर्गत जो कुछ भी हम आदेश देंगे
वो आदेश कभी भी मूल अधिकारों के खिलाफ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि पूर्ण न्याय के लिए मूल अधिकारों को नजरअंदाज कर दें, मूल अधिकारों के खिलाफ नहीं हो सकता। दूसरा, उससे संबंधित जो भी संसद ने कानून बनाए हैं उन कानूनों से भी वो असंगत ना हो, मतलब कानूनों को खराब न कर दे या कानूनों की प्रासंगिकता समाप्त हो जाए, ऐसा कोई निर्णय 142 का उपयोग करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये आ, 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 अपने लिए डिसीजन बनाया, गाइडलाइन बनाई। ऐसे भोपाल गैस त्रासदी के मामले में हम देखेंगे तो 91 में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय करने के लिए 142(1) के व्यापक दायरे का वर्णन करते हुए कहा कि यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए मुआवजे में $470 मिलियन का भुगतान किया जाए, जिससे कि तात्कालिक रूप से जो भी लोग परेशान हैं, जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उनको राहत पहुंचे। कहीं किसी पे किसी कोर्ट में इसका मामला नहीं चलेगा बिना सुनवाई के, सीधे सीधे जब तक ये दिया नहीं जाएगा लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का जो उपयोग है वो 142 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने किया। सलाहकारी क्षेत्र अधिकार देख लेते हैं, आर्टिकल 143 के अंतर्गत, 143 के अंतर्गत, तो राष्ट्रपति दो तरीकों के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। पहला मामला होगा विधि के प्रश्न का या लोक महत्व का, सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। सुप्रीम कोर्ट विधि के प्रश्न या लोक महत्व के प्रश्न को बताने के लिए, परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। लेकिन अगर ऐसी सलाह किसी पूर्व संवैधानिक विवाद पे माना जाता है या पूर्व संवैधानिक संधि पे मांगी जाती है, किसी समझौते, प्रसंविदा, सनद या अन्य मामलों से उत्पन्न कोई विवाद है, तो ऐसे मामलों पे सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना अनिवार्य होगा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट सलाह देने से मना नहीं कर सकती। कोई भी ऐसी पूर्व संवैधानिक विवाद हो या संवैधानिक संधि हो, समझौता हो, कोई सनद हो, कोई पैक्ट हो, ऐसे मामले पे अगर राष्ट्रपति परामर्श मांगता है, अनिवार्यतः सुप्रीम कोर्ट परामर्श देगी ही देगी, और ये अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दिया गया है, आर्टिकल 143 के अंतर्गत दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अभिलेखी न्यायालय आर्टिकल 123 के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 129 में, और ये अनुच्छेद कई बार आपसे पूछा गया है, अनुच्छेद 129 के अंतर्गत कई बार ये प्रश्न पूछा गया। आर्टिकल 129 के अंतर्गत बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय। अभिलेखी न्यायालय का मतलब क्या होता है? अभिलेखी न्यायालय का मतलब होता है ऐसा न्यायालय जो न्यायालयी अवमान के लिए दंड देने का अधिकार रखता हो, जो न्यायालयी अवमान के लिए दंड देने का अधिकार रखता हो, अर्थात जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने का अधिकार रखता हो, वो अभिलेखी न्यायालय। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ये अधिकार है, इसलिए दोनों ही अभिलेखी न्यायालय के रूप में जाने जाते हैं। अभिलेखी न्यायालय का मतलब होता है अवमान शक्तियों, और अवमानना संविधान में अवमानना शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसके लिए न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 में जरूर बनाया गया, जहां पर इसे परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। देखा जाए तो दो प्रकार के अवमान है, एक नागरिक अवमान और एक आपराधिक अवमान। नागरिक अवमान उस अवमान को माना जाता है जिस अवमान में कोर्ट के किसी निर्णय को, किसी आदेश को, किसी संबंध को, किसी व्यक्ति के द्वारा उसका पालन नहीं किया गया, ऐसे मामले को नागरिक अवमान माना जाता है। वहीं पर अगर आपराधिक अवमान की बात करें तो जब कभी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी गलत नियत से, बदनीयति से न्यायपालिका की छवि को खराब करने के लिए कोई टिप्पणी की जाती है, कोई अभिव्यक्ति की जाती है, कोई प्रदर्शन किया जाता है जिससे न्यायपालिका की छवि खराब होती है, तो ऐसे मामले को आपराधिक अवमान की श्रेणी में रखा जाता है। अवमान दो प्रकार के हैं। 1971 में HN सान्याल समिति की सिफारिश पे न्यायालयी अवमान को एक अधिनियम के द्वारा स्थापित करने का प्रयास किया गया, और इसमें नागरिक और आपराधिक अवमानों को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। तो ध्यान रखिएगा, संविधान में अवमान को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 में संबंध में इसे परिभाषित किया गया है। क्या अंतर है? तो जब किसी निर्णय या आदेश वचन की अवज्ञा जानबूझकर किया गया हो तो उसको सिविल न्यायालय कहा जाता है, और अदालत के आदेश को नीचा दिखाने की कोशिश किया जाए, किसी गलत नियति, पूर्वाग्रह के माध्यम से न्यायपालिका के छवि को खराब करने का प्रयास किया जाए,
न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाए तो उसे आपराधिक अवमान कहते हैं। क्या कहते हैं? आपराधिक अवमान। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जिन बातों को करना अवमान के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। ऐसे तो कोई न्यायपालिका के खिलाफ कुछ बोलेगा ही नहीं, न्यायपालिका कितनी भी भ्रष्ट हो जाए। इसलिए कुछ सीमाएं भी न्यायालयीय अवमान की हैं, और यह भी 1971 के अधिनियम में बताया गया है कि क्या न्यायालयीय अवमान के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर आप किसी भी मामले का निष्पक्ष प्रकाशन करते हैं, उसका वितरण करते हैं, तो यह न्यायालयीय अवमान नहीं होगा। न्यायिक कार्यवाहियों की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग अगर आप करते हैं, किसी पूर्वाग्रह से युक्त न हुए रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो न्यायालय अवमान नहीं माना जाएगा। न्यायिक कृत्यों की निष्पक्ष और उचित आलोचना अगर आप करते हैं, तो भी वो न्यायिक अवमान नहीं माना जाएगा। प्रशासनिक पक्ष पर टिप्पणी अगर करते हैं, तो वो भी न्यायालय अवमान नहीं माना जाएगा। मतलब अगर आप निष्पक्षता से जो सही है तथ्यों के साथ अगर आप दिखाते हैं, जिसमें आपने मिर्च मसाला नहीं दिया, जिसको आपने कोई एंगल नहीं दिया, तो ऐसे को न्यायालयीय अवमान नहीं माना जाएगा। ये न्यायालयीय अवमान के संबंध में बातें थी। हाल का संदर्भ देखें तो दिल्ली की हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के एक नौकर शाह को कोर्ट के अवमान का दोषी ठहराया। इसके पहले संदर्भ देखें तो प्रशांत भूषण, जो कि बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनको भी न्यायालयीय अवमान का दोषी मानते हुए उनको समन किया गया था आपराधिक अवमान में। उन्होंने एक टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पे। तो ऐसी स्थिति में अगर अवमान को देखें, अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट के लिए और अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट के लिए न्यायालयीय अवमान की शक्ति प्रदान करता है, अर्थात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इस अनुच्छेदों को भूलिएगा नहीं। 129 ये आपका सुप्रीम कोर्ट, 215 हाई कोर्ट के संबंध में दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं। सजा की बात कर लें, अगर आप न्यायालयीय अवमान के दोषी पाए जाते हैं, तो प्रशांत भूषण में 1 रुपये का दंड लगा था। ऐसी स्थिति में यहाँ पे कहा गया है कि अदालत 2000 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है, 2000 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है, 6 महीने तक की सजा दे सकती है। 6 महीने तक की क्या कर सकती है? सजा कर सकती है। तो ये न्यायालय अवमान में दंड के प्रावधान को देख सकते हैं, ठीक है। न्यायालय अवमान में दंड के प्रावधान को देख सकते हैं, ठीक है। तो बात हम लोगों ने यहां तक अपनी पूरी कर ली। थोड़ी सी बातें न्यायिक समीक्षा के रूप में भी देख लें। न्यायिक समीक्षा की बात करें तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार सेंट्रल और स्टेट, अर्थात केंद्र सरकार के मामलों पर न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकारों के मामले में न्यायिक समीक्षा हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अर्थात जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार दोनों को ही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। और जो जुडिशियल रिव्यू होता है, वो जुडिशियल रिव्यू भी होने का जो आधार है वो दोनों है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या संसद के द्वारा कानून बनाया हो या कार्यकारी आदेश दिया हो। मतलब न्यायिक समीक्षा संसदीय अधिनियम और कार्यकारी निकाय दोनों के होते हैं। ऐसे ही राज्य विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून या राज्य कार्यपालिका के द्वारा दिए गए आदेश, इनकी न्यायिक समीक्षा हाईकोर्ट कर सकता है। तो न्यायिक समीक्षा कार्यकारी और विधायी दोनों ही व्यवस्थाओं से बने कानूनों का होता है, ठीक है। कैसे? न्यायिक समीक्षा जब होती है तो उसका आधार क्या होता है? न्यायिक समीक्षा जब की जाती है तो उसका आधार, 3 आधार बनाए जाते हैं। पहला, मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं है। दूसरा, उसे कानून बनाने वाला, आदेश देने वाला व्यक्ति उसके लिए प्राधिकृत है कि नहीं है, प्राधिकार देखा जाता है। और तीसरा देखा जाता है कि संविधान के विरुद्ध तो नहीं है, संविधान के किसी प्रावधानों के विरुद्ध तो नहीं है। अगर ये तीन चीजें होती हैं तो ऐसी दशा में किसी भी विधि को अवैध घोषित किया जा सकता है। एक हाल का संदर्भ था, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधानी पीठ ने 4-1 के बहुमत से 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोटों को बंद करने के केंद्र सरकार के 2016 के फैसले को बरकरार रखा। चैलेंज किया गया था और जुडिशियल रिव्यू हुआ और ऐसे में इन्हें बरकरार रखा गया। क्या महत्वपूर्ण हो सकता है?
2016 में नोटबंदी से पहले भारत में दो बार नोटबंदी का विकल्प चुना गया था, एक बार 1946 में, एक बार 1978। लेकिन जहां 2016 की नोटबंदी एक साथ बंदी थी, वहीं पर 1948 और 1978 में जो नोटबंदी थी वो क्रमिक रूप से नोट बदलने से संबंधित थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) है, ये केंद्र सरकार को अनुमति देता है कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश के बाद किसी भी मूल वर्ग के बैंक नोटों को किसी भी श्रृंखला को कानूनी निविदा नहीं देने को घोषित किया जा सकता है, अर्थात लीगल टेंडर समाप्त किया जा सकता है किसी भी वर्ग मूल्य के नोटों की, जिसको हम लोग इसे हम लोग विमुद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको विमुद्रीकरण कहते हैं। इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव हैं और इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं, वो दोनों ही प्रभावों पे बात आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्यायोजित विधान की बात करें कि प्रत्यायोजित विधान किसको कहते हैं। जब ऐसे कानून बनाने की शक्तियां जो विधायिका की है, जब वो कभी संसद द्वारा कानून बनाकर ऐसे नियम बनाने का अधिकार जब कार्यपालिका को दी जाती है, अधिकारियों को सौंपा जाता है, तो इसे प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रत्यायोजित विधान कहते हैं, प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस पर राय दी है कि प्रत्यायोजित विधान कहां तक उचित है, कहां तक उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में कहा था कि कार्यपालिका को एक निर्धारित सीमा के भीतर अधीनस्थ कानून बनाने का अधिकार देना चाहिए, अर्थात प्रत्यायोजन जो विधायन है उसकी कार्यपालिका के ऊपर लिमिटेशन होनी चाहिए। एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य की व्यवहारिक आवश्यकता और व्यवहारिक जरूरतों को विकसित करने में प्रत्यायोजन विधान का बड़ा सकारात्मक योगदान है। लेकिन यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत के संविधान निर्माताओं ने कानून की शक्ति लोगों के प्रतिनिधियों को सौंपी है, ताकि इसका प्रयोग न केवल लोगों के नाम पर किया जा सके बल्कि लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भी कार्य कर सकें। इसलिए प्रत्यायोजन विधायन की एक लिमिटेशंस भी होनी चाहिए। ये सकारात्मक तो सिद्ध हुआ है, लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशंस भी होनी चाहिए, अन्यथा फिर मनमाना कानून बनाया जाना शुरू हो जाएगा। मनमाना कानून नहीं होना चाहिए। अन्य शक्तियों की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के काफी शक्तियां हम लोगों ने देख ली। अन्य शक्तियों की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का समाधान भी सुप्रीम कोर्ट करता है। यह मूल, अनन और अंतिम प्राधिकरण है, तो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आप इसे लिख सकते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विवादों का निस्तारण। राष्ट्रपति द्वारा दिए गए संदर्भ पे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के आचरण और व्यवहार का परीक्षण करता है। सुप्रीम कोर्ट जब कभी मामला उठता है किसी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की अयोग्यता का, तो उस पर यह निर्णय करता है और इनके निर्णय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। और इसके अलावा एक और अनुच्छेद है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, 137। सुप्रीम कोर्ट खुद के दिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, खुद के दिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले को ये वापस लेने और उसका निस्तारण करने का अधिकार रखता है। उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, उस पर यह निर्णय करता है। इसका कानून भारत के सभी क्षेत्रों पे, सभी अधीनस्थ न्यायालयों पे बाध्यकारी रूप से लागू होता है। सारे भारत के जो न्यायाधिकरण है ये सब इनके सहयोग में काम करेंगे, ऐसा प्रावधान है। संघ सूची के मामले पे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को संसद द्वारा चाहे तो भविष्य में और ज्यादा विस्तारित किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो अन्य बातें थी, इन अन्य बातों को आप लोगों ने देख लिया है, ये अन्य बातें हो गई। आज चूंकि समय हो चला है, इसलिए आज की कक्षा बस यहीं तक रहेगी। कल फिर मिलेंगे न्यायपालिका के अगले भाग को पूरा करते हुए। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेंगे। साथ ही साथ आपके पास ये सूचना जो इम्पोर्टेंट रूप से जानी चाहिए, इस सूचना को भी आपको जरूर बताया जाएगा कि आप
इस सूचना को भी आपको जरूर बताया जाएगा। आज अगर आप देखें तो आज अंतिम तारीख है, आज जो बैच स्टार्ट हो रहा है, जो बैच आज प्रारंभ हो रहा है, उस बैच की आज अंतिम तारीख है, ठीक है। इस बैच की आज अंतिम तारीख है, आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। 9 फरवरी से आपका P2I GS जो फाउंडेशन बैच है उसकी शुरुआत हो रही है, आज से उसकी शुरुआत हो रही है। ऐसी दशा में आपकी कोई भी क्लास न छूटे। अगर 2025 के लिए आप तैयार होना चाहते हैं, 2025 की आप एग्जाम में बैठना चाहते हैं, 2025 का एग्जाम आप देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सिस्टमेटिक ढंग से आपकी जो कक्षाएं हैं वो पूरी हो जाएं, तो ऐसी दशा में आप GS फाउंडेशन P2I बैच के साथ जुड़ सकते हैं। 9 फरवरी से क्लास शुरू हो रहा है, अर्थात आज के दिन से क्लास शुरू हो रहा है। AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 24,999 में ये बैच मिल जाएगा। और आज से अगर आप शुरू करते हैं तो 2025 के लिए आप वाकई में पूरी तरीके से तैयार होंगे। विद इन टाइम, नियत समय पे आप जो सिलेबस है वो पूरा कर लेंगे और प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो अभ्यास है उसे भी आप करने में समर्थ हो पाएंगे। तो जुड़ते रहिए। अगर आप क्लास पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आप रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करना न भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी।